सीखना अभिनय के लिए आवश्यक है कि नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल बात हमेशा उठती रही है, क्योंकि हमारे से पहले जब इंस्टीट्यूट फिल्म इंस्टीट्यूट ऊना नहीं होती थी, उसके पहले भी ग्रेट एक्टर्स निकले हैं, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, मोतीलाल जी, बगास सहनी, पृथ्वीराज कपूर, किसी ने एक्टिंग कोर्स नहीं किया था, किसी ने स्टेज किया होगा, जैसे पृथ्वीराज कपूर हमारे स्टेज करते थे। मैं समझता हूँ कि आदमी उस ज़माने में ट्रायल एंड एरर करके सीखता था। दिलीप साहब की फिल्म अगर आप ज्वार भाटा देखो और आगे जाके उनकी अगर आप अंदाज देखो या मुगल आजम देखो तो आपको दिखेगा डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस उनके खुद कर 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 करके एक ट्रायल एंड एरर करके आदमी को खुद मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर क्या है। बट एक्टिंग कोर्स सीखना आजकल ज़रूरी इसलिए हो गया है कि आजकल किसी प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं है। कैमरा ऑन करने के बाद में अगर आपने 20 टेक दिए तो नेक्स्ट टाइम बोलेंगे भगाओ इसको, बुलाओ मत। So you have to be confident in front of camera. Plus the teaching years or 6 months, 3 months gives you an idea to discover yourself. कि मैं किस रोल में अच्छा हूँ, मैं एक्टिंग कॉमेडी कर सकता हूँ कि मैं विलन कर सकता हूँ, ये आपको डिस्कवर करना पड़ता है। फिर आपके एक इंस्ट्रूमेंट दी गई है बॉडी की जिसको आपको ट्रेन करना है, ट्यून करना है। आपको अपनी आवाज़ पे काम कीजिए, आप अपने लुक्स पे काम कीजिए, आप परफॉर्मेंस धीरे धीरे करते हो, इम्प्रोवाइजेशन कर कर करके धीरे धीरे खुलते हो। तो फ़र्क इतना है कि जो आदमी एक्टिंग कोर्स करके आएगा वो कैमरे के सामने थोड़ा सा फपलाएगा, और एक नया एक्टर आता है, मैंने कई बार देखा है कि उस ज़माने में तो आवाज़ करती थी कैमरे के कैमरा, और वो नया लड़का आया तो प्रोड्यूसर की ऐसे हार्ट ऊपर जाता था, मन पड़ा कि वो एक रिटेक किसको पकड़ के लाए हो तुम यार, वो बोलते थे उनको नेक्स्ट टाइम मत बुलाना इसको, उस ज़माने में था। लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो आपने चिप्स है, आप 25 टेक कर लीजिए। बट अ डायरेक्टर ऑलवेज प्रिफर्स एन एक्टर हु डज वर्क, बिकॉज सब वो लोग सिर्फ हीरो हीरोइन को भाव देते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको होते हैं कि यार जल्दी कर यार, किसी और को लेकर आ जाए। सो इट इज़ लिए इट्स एसेंशियल फॉर टूडेज स्ट्रगलर्स टू गो थ्रू अ एक्टिंग कोर्स। यस सर, ये भी सुनने में खबर आया कि शक्तिमान पे फिल्म भी बनने वाली है और रणवीर सिंह को शायद अप्रोच किया गया है, तो कितनी सच्चाई है? मेरे क्या बोलते हैं सेंसिटिव स्पॉट पे टच मत करो, दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट शक्तिमान राइट नाउ। शक्तिमान बन रही है, 3 फिल्म बन रही है, ट्रायलॉजी बन रही है, 100-200 करोड़ के ऊपर का बजट जाएगा एक एक फिल्म का। बट मैं आपको अभी तक इतना बता रहा हूँ कि बन सकती है, बन रही है, बट कौन होगा उसके अंदर, कौन डायरेक्टर होगा, कौन एक्टर होगा, ये मुझे भी मालूम होते हुए भी नहीं मालूम। सो आई कैन नॉट कमिट, लेट अस वेट, इट्स वेरी यू नो इट्स इट विल बी वेरी सून वी विल डिस्क्लोज एवरीथिंग। बस इतना बता दीजिए, कोई चुप रहेगा वहाँ पर, कोई बोलने वाला आदमी, कौन बोल रहा है उधर? सर मैं बहुत बदनाम हूँ इस मामले में, ईमानदारी से बोलता हूँ, आजकल ईमानदारी से बोलना भी गुनाह हो गया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी हम पूछ सकते हैं चीज को। अभी लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि दिखना चाहिए फिल्म की नहीं, कि जो इंटॉलरेंस का बयान दिया था आमिर खान ने 7 साल पहले, आपके समझ से कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है इस चीज को लेकर? सेंसिटिव मैटर है बहुत ये। आज हम जिस पायदान पे खड़े हैं, आज हम एक क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, एक धर्म संप्रदाय ने दिखा दिया हमको कि खबरदार आपने ऐसी कोई बात बोल दी, सुना होगा, उसके ऊपर रिएक्शंस भी देखे होंगे आपने, बड़े बड़े रिएक्शंस आए हैं। उससे उल्टा होता है कभी जब, तो हम हिंदू हैं जो सहिष्णु मानते हैं अपने आप को, मैं उसको कायर मानता। हमारे पे मुगलों ने इसलिए अटैक किया कि हमने कहा आइए हम तो अतिथि रहे वो सब, ऐसा नहीं साहब, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा अगर आप। इसीलिए मैंने हिंदू एकता दिवस का शुभारंभ किया है, हर मंगलवार को 7 बजे आप किसी मंदिर में बैठिए और जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वो मास्क करते हैं वैसे आप एक दिन 1 घंटे के लिए बैठिए, क्योंकि एकता नहीं है हिंदुओं में। अब आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने कह दिया है कुछ, अभी कोई रिएक्ट कर रहा है तो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये पहली बार रिएक्शन आ रहे हैं इस संप्रदाय की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से। हम इसकी फिल्म को रिलीज जो है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे देश में रहना अच्छा नहीं है, जो उन्होंने इंटॉलरेंस की बात की थी। यू गॉट टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इफ यू आर एन एक्टर, और एक्टर की कोई जात नहीं होती, एक्टर का कोई धर्म ईमान नहीं होता, उसको दिलीप साहब बन के भी हे राम कन्विंसिंगली बोलना पड़ता है, या हम जब मुस्लिम का रोल करते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर का धर्म नहीं होता, ईमान नहीं होता। एक्टर शुड बी न्यूट्रल,
बट अगर कोई बड़ा स्टार अगर ऐसी बात बोल जावे और कल को दूसरा बोले अरे फिर जाओ ना दूसरी कंट्री में जाकर रहो ना इधर अगर आपका ठीक नहीं लगता, वो जायज, मैं समझता हूँ उनका भी रिएक्शन जायज़ है, बट बायकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फिल्म, क्योंकि फिल्म फिल्म होती है और हमारे यहाँ पर कई बार लोग सेंसेशनल क्रिएट करने के लिए भी लक्ष्मी बॉम्ब भी बनाते हैं, फिर बाद में लक्ष्मी का बॉम्ब हटा देते हैं क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए कि आप रिएक्ट करें। सो आई होप उनकी फिल्म रिलीज हो चले, बाकी जिसने रिएक्ट करना है वो फ्री है, रिएक्ट करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, सिर्फ मुस्लिमों के पास है, क्या हिंदुओं के पास नहीं है? सर एक और कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि जो गाना है हर हर शंभू उसकी जो गायिका है वो एक मुस्लिम है और उन्होंने कहा है कि फतवा जारी कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रफी भी भजन गाया करते थे और धार्मिक गाना गाया करते थे, तो इसमें बुराई क्या है अगर मैं मुस्लिम हूँ और कोई गाना ऐसा गा रही हूँ तो? उन्होंने खुद अपनी बात का जवाब दे दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया है कि रफ़ी साहब ने भी गाए थे गाने, रफ़ी साहब ने भी भजन गाए हैं, तो उस लड़की ने खुद ही कुछ जवाब दे दिया है। अब गलती उसकी नहीं है क्योंकि वो सिंगर है, सिंगर को हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं, कव्वाली भी गाने पड़ती है। लता जी एक ऐसी सिंगर थी जो पहले बोलती थी कि मैं डबल मीनिंग के डायलॉग वाले गाना नहीं गाऊंगी, उन्होंने भी अपनी किताब में मैंने पढ़ा उनके बारे में कि वो थोड़ी सी चूजी थी, और हर सिंगर चूजी नहीं होता, आज आपको सब करना पड़ता है अगर आपको पैसा चाहिए, और जिस लड़की की बात करें मैंने जहाँ तक पढ़ा है गरीब है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो अब फतवा जारी करने वाली की उनकी खुद की मिल्कियत हम क्या बोल सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, अगर उनको बुरा लगता है तो उनकी वो खुद कर सकते, हम कौन होते हैं किसी के धर्म के खिलाफ बोलने वाले, हम कैसे बोल सकते हैं कि आप इसमें फतवा करिए इसमें फतवा नहीं करिए, वो चलते हैं कुरान से, हम चलते हैं गीता से, बोथ हैव गॉट देयर ओन स्पेस। मैं हमेशा कहता हूँ डू नॉट क्रॉस द स्पेस, इस हिंदुस्तान में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, मैंने कल ही अपनी तरफ से बयान जारी किया था और लोग बोलते फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, मैंने कहा सर मुस्लिम राष्ट्रों में भी तो हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम क्यों नहीं रह सकते, रहो अपने अपने धर्म में, अपने अपने परिधि के बीच में रहो, मिलजुल के रहो, हम रहे हैं, हमारे एक्टर दोस्त मुस्लिम हुआ करते थे, हमारे कॉलेज के दोस्त मुस्लिम हुआ करते थे, उस जमाने में ये नहीं था, आज हो गया है, बट दिस इज बाउंड टू हैपन व्हेन लॉट्स ऑफ अपना देखने की बात आ गई है तो वहाँ गड़बड़ होती है। जी और सर अगर एक्टिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक्टिंग के बाद लोग सोचते हैं कि काम कैसे मिलेगा क्या मिलेगा, तो सर अगर उस बारे में कुछ बताएं कि ये जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ जो आपका कोलैबोरेशन है अगर उसके बारे में कुछ रोशनी डाल पाए। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये हर स्ट्रगलर जो मेरी क्लास से भी निकलेगा, सुभाष गही जी की क्लास से भी निकलता है, वो कितना चार्ज करते हैं हम कितना चार्ज करते हैं, सब फर्क होने के बाद में कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट कभी भी एक्टर को ये नहीं बोलती कि तेरे को मैं अपनी फिल्म में लूँगा, सुभाष जी ने भी किसी को अपनी फिल्म में लिया ऐसा दावा नहीं लिखा जाता। हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपकी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कैमरा कैसे फेस करना है, आप अपने आप को पहचानिए और काम कीजिए, उसके बाद में हम आपको एड्रेसेस देंगे जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, हम मदद करेंगे, जैसे मैं ओपनली बोलता हूँ जिस दिन मैं शक्तिमान बनाऊँगा ये सब लोग मेरे शक्तिमान में रहेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि मैं किसी को फ़ोन करूँ मेरी क्लास का है इसको ले लो, नहीं साहब कोई किसी का माई बाप नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद फ़र्क इतना है कि आपको हम बताएंगे ऑडिशन कहाँ होती, नाउ यू ट्राई, यू आर विद अ सर्टिफिकेट एंड विद योर बॉडी विच इज़ एनहांस्ड नाउ, उसको जाके आप, और ऑडिशन पर डिपेंड करता है, पहचान से बहुत कम, आप समझ के चलिए किसी के बोलने पर कोई नहीं लेता, जिसको लेना होता है वो उसको अगर ज़रूरत है तो वो उसको ज़मीन से उखाड़े गए थे, वो लड़का आया था वो उसके बाले से टेढ़े मेढ़े बाल थे, वो उसने वो पहना था कार्ड फेंक दिया उसने, लेकिन बाद में लगा वो रोल के लिए चाहिए तो सारा वो उसको ज़मीन आसमान से उखाएगा उसको बुलाएगा लेकर आएगा बस, सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी प्लस योर वर्क। यस और आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मुकेश सर का नाम जुड़ा है इंस्टीट्यूट के साथ कितनी बड़ी बात है और क्या कुछ नया स्टूडेंट्स को मिलने वाला है अगर एक्टिंग की बात करें या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उनको देने वाले हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो अच्छी फैकल्टी है, NST FTI से है और सर के छत्र छाया में सारी चीज़ें चल रही है, तो इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि सर सारी चीज़ें हमको गाइड करते हैं, उसके बिहार पर हम इस चीज़ को आगे रन करते हैं। राहुल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में और के सर का नाम जुड़ा है ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आप लोगों पर भी? सबसे पहला सवाल सर का यही था कि मेरा नाम का रिस्पेक्ट रखना, सबसे पहला सवाल यही था सर का, और
उस चीज पे हम लोग अभी तक खड़े उतरे हैं और कोशिश रहती है कि सर का नाम जिस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ा है तो उस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। और जितने स्टूडेंट आते हैं, कमिटमेंट सर ने सही कहा कि कोई किसी को कोई कमिटमेंट लिख के नहीं दे सकता कि वो स्टार बन जाएगा या हम तुम्हें काम दे देंगे या आपको काम दे देंगे। हम लोग कोशिश रहती है, जहाँ तक हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म से बनाते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं भी काम करने जाता है तो सबसे पहला सवाल जो पूछते हैं, आपने किया क्या है, तो वो सवाल का जवाब हम लोग स्टूडेंट को दे देते हैं कि कहीं पर सवाल का जवाब वो आसानी से दे सके कि हमने ये किया है, वो बेस बना के हम लोग दे देते हैं उसे। तो ये कोशिश हम लोगों की हमेशा रहती है। जो बात इन्होंने कही ना कि मुकेश ने कहा कि भाई हमारे नाम का लाज रखना, मेरी लाज रखो बिहारी, ये बात मैंने सोने वाले को भी कही है कि शक्तिमान की इमेज नहीं बिगाड़नी चाहिए, शक्तिमान से डिस्को ड्रामा नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा लिखवाया है। सर आपने कुछ टिप्स दिए, कुछ ज्ञान बांटा भी स्टूडेंट के सामने कि एक्टिंग के क्या क्या बताया आपने अभी। जी मैं देखिए, मैं इस पूरे एक्टिंग कोर्स में, देखिए मैं टीचर नहीं हूँ, नॉलेज है मेरे को, मेरे एक्सपीरियंस इवन FTI है, लेकिन मैंने इनको पहले ही कहा था कि मैं एक दिन आऊँगा, एक या दो दिन आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 महीने के कोर्स में, और मैं स्पीच के ऊपर, वॉइस के ऊपर, वॉइसिंग के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर मैं अपनी तरफ से टिप्स दूंगा। तो आज मैंने इन लोगों को आवाज़ क्या होती है और आवाज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपकी आवाज़ कैसी अच्छी कर सकते हैं, आप क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने आज लेक्चर दिया। मुझे सर एक और भी चल रहा है कि साउथ फिल्म का जो बिजनेस है, RRR को देखो या पुष्पराज को देखो, वो भी नॉर्थ में बहुत अच्छा हो रहा है। हाल ही में समझेरा भी आई, पृथ्वीराज भाई बुरी तरह से फ्लॉप की, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है साउथ फिल्मों का चलना कि एक खतरा है बॉलीवुड इंडस्ट्री। सर मैं बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में, मेरी जो चैनल आती है बीच में इंटरनेशनल, मैंने उसके पर एक वीडियो डाली थी, हिंदी फिल्म्स वर्सेस हॉलीवुड एंड साउथ फिल्म्स, और मैंने वो ओपनली बोला है कि हमारे यहाँ की कमिटमेंट, हमारे यहाँ की डिसिप्लिन, हमारे यहाँ का जो एक वर्क कल्चर है वो साउथ से पिछड़ गया है, हॉलीवुड से पिछड़ गया है। हमारे यहाँ पर एमएम वाली एटीट्यूड है। अगर आप पृथ्वीराज चौहान से बड़ा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी एक जमाने में करना चाहता था, लेकिन जब आप करते हो तो कुछ तो मेहनत करो गेटअप में। ये मैंने फोटो डाली थी कि ये पृथ्वीराज चौहान का एक पगड़ी पहन के, यू नो, एक ऐसा पोस्ट मैंने कहीं से उठाया इंटरनेट से, और मैंने अक्षय कुमार की फोटो लगाई थी, मूछ लगाया उसने, बाल भी वही के वही अपने वाले, एक पगड़ी पहन ली। आप सब अक्षय कुमार हैं, आप पृथ्वीराज चौहान नहीं बनेंगे। इसीलिए शक्तिमान के लिए मैं किसी बड़े एक्टरों को नहीं कहा, क्योंकि उनकी अपनी इमेज है, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान, ना अक्षय, ना अजय देवगन, ये बीच में आएगा इमेज, अनलेस यू ब्रेक इट। फॉर हिस्टोरिकल फिल्म्स यू हैव टू ब्रेक इट, you must have a historical face or something in you cannot be a abey tabey ka jo attitude aur aap Prithviraj Chauhan banna chahte to nahi banenge aap uske liye action। to hum hindi filmon mein pichad rahe hain, aapki baat sahi hai, AGF Pushpa ho ya jo filmein 3 bani hai unhone zyada business kiya hai kyunki wahan par south mein commitment hai, south mein director ki qadar hoti hai, garu garu bolte hain unko, एक सिटी मारो पूरे के पूरे जूनियर आर्टिस्ट जमा हो जाते हैं, यहाँ ढूंढना पड़ता है, हीरो लगा हुआ है 45 मिनट से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अरे बुलाओ उनको यार, वहाँ नहीं चलता, वह बोला अरे शॉट रेडी सब आता है, वो होती है कमिटमेंट जो हिंदी फिल्म वाले खो चुके हैं, स्टारिज्म आ गया एक, दैट्स ओनली पॉइंट। या ओके, और कौन? तीर खत्म हो गए क्या? मैं लिमिट क्या है, मतलब अपनी मान मर्यादा की बात करें, सबसे पहले हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जज्बा है, हमारी संस्कृति है, हमारे विचार है, हमारे एक मर्यादा है। अगर एक बंदा कह देवे इस तरह से कि भाई ये आई एम कंफर्टेबल, मैं इसके खिलाफ हूँ, आप यू में भी कंफर्टेबल, अपने बाथरूम में जाके कंफर्टेबल रहिए ना, अपने खुद के प्राइवेसी में कंफर्टेबल रहिए ना, यू में भी कंफर्टेबल विद योर बॉडी, बट जो कुछ भी किया है, अगेन उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने किया है। मैं जैसे कि मैं एक स्टूपिड, मैंने कमिटमेंट का रखे हुए हैं कमिटमेंट, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं विलन नहीं करूंगा, मैं रोमांटिक सीन्स नहीं करूंगा। अब ये किसी ने मेरे को कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि सर ऐसे कैसे बोल सकता, मैंने कहा बोल सकता हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो यू नो इट इज़ योर, सो उनकी भी क्या प्रायोरिटी है उनको पता, मैं उस पर क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा। सर आखिरी सवाल,
आपने जैसे बताया कि आप चाहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप शक्तिमान में कौन हीरो होगा नहीं होगा, लेकिन सर ये तो बता सकते हैं आपकी किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करें, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो अगर? नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था। सिर्फ क्वालिटीज पे बता दीजिए सर। क्वालिटीज देखिए, मैंने अपने खुद के प्रोड्यूसरों को जो मेरे साथ है उनको मैंने कहा था कि आपकी कॉम्पिटिशन स्पाइडरमैन से नहीं है, बैटमैन से नहीं है, कैप्टन प्लैनेट से नहीं है, आपकी कॉम्पिटिशन जो हमने 7 साल बनाकर एयर पर रहकर आज 25 साल से जो इमेज बनी है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम टू मेक शक्तिमान, उसमें फिट होने के लिए। शक्तिमान सिर्फ सुपर हीरो डिशुम वाला एक्टर नहीं है जो सुपरमैन स्पाइडरमैन में, शक्तिमान सुपर स्टार सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी बन गया था। बच्चे पूरे एक जनरेशन बड़ी हुई है मेरे साथ, आज भी मेरे को बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो 30 साल के हो गए, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, सर आपने हमारा चाइल्डहुड बनाया है। अब वो चीज़ जो एक्टर करेगा उसके अंदर ये रहना चाहिए कि वो जब बोले तो लोग सुनेंगे उसको, वो क्वालिटी किसी एक्टर में है। बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी अपनी इमेज बीच में आती है, चले अड़िया ए बड़ू अड़िया ऐसे बोलने वाले बैठे हुए हैं ना, सो उनको वो चाहिए। आजकल बहुत 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 शातिर हो गए व्यूअर्स, क्योंकि मैं चैनल चला रहा था, मुझे मालूम है अरे ये तो बीजेपी का दिखता है, रेले अरे ये तो RSS लगता है, उनको उनकी फ्रीडम है, बोलते हैं। यहाँ पर भी कोई बोल गया अरे तू क्या सिखाता है यार, बैठ 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 बच्चा है तो शक्तिमान बन सकता है। शक्तिमान बनेगा तो शक्तिमान में पावर एक्टिंग सब कुछ, बिकॉज शक्तिमान इज सर्वशक्तिमान से नेक्स्ट नंबर पे शक्तिमान आता है। सर्वशक्तिमान इज गॉड, शक्तिमान ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके अंदर सब कुछ है। मैं कभी आप लोगों को शायद मैं अभी एक रहस्य है बता दूं आपको, कस मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वंदे मातरम गाना मैं जो लता जी ने गाया है, जो आनंद मठ का गाना है मशहूर, मैं धृष्टता कर रहा हूँ शक्तिमान के ऊपर उसको पिक्चराइज करने के, क्योंकि वो शक्तिमान गाएगा तो मैं उसमें भी अगेन वही होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शक्तिमान अगर अपने देश का राष्ट्रगीत गा लेता है तो उस राष्ट्रगीत के अंदर वर्ड्स जो हैं सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, मैं एक गाना शूट करने जा रहा हूँ शक्तिमान के ऊपर, एक दृश्यता कर रहा हूँ मैं। बट अगेन वही होता है कि कास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेदर यू कैन डू इट और नॉट इज इम्पॉर्टेंट, यू टेक एन एक्टर who doesn't look the character, like the example of sad example of Prithviraj Chauhan, the physical casting is a must, aap star hai ki star hai, maine ye bhi kaha, maine kaha picture chalegi to content pe chalegi saab, koi superstar nahi chalayega shaktiman ko, lekin picture jab 300 crore ki banti hai to sochna padta hai ji। thank you sir, welcome.